टीचिंग टू पीएचडी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 72 का क्वेश्चन 36। यहाँ पे स्टार्टिंग होना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते हैं, यानी एक्स वाला एक्स की ओर सेपरेट नहीं होता, वाई वाला वाई की ओर सेपरेट नहीं होता, एंड इस फॉर्म में होते हैं, यानी कि अंश और हर की फॉर्म में है, उनकी पावर अगर सेम है, अंश और हर की जो पावर्स है सेम, वो सेम डिग्री की है, ठीक है ना, यानी कि डिग्रीज ऑफ न्यूमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर माने होता है अंश, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर माने होता है हर, इज इक्वल, यानी अंश और हर की जो डिग्रीज होती है वो बराबर होती है, ठीक है। वैसे इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, वो सेपरेट नहीं हो पाते, जैसे कि इसमें कोई क्वेश्चन दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का टू एक्स वाई डी वाई का टू जीरो, इस तरह का क्वेश्चन है, यानी एक्स वाला एक्स की तरफ सेपरेट नहीं हो पाएगा। अगर हम सेपरेट करने का प्रयास भी करते हैं, मान लिया हमने ये किया डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई ए माइनस इधर ले लेता हूँ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, अब ये सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, इसको बाई वाला बाई के साथ ले जाएं तो एक्स भी जाएगा और इसके साथ ये ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर भी जाएगा, सेपरेट नहीं होते हैं, इट इज़ नॉट सेपरेटिंग वेरिएबल, सेपरेटिंग वेरिएबल ये नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन सेपरेटिंग वेरिएबल से नहीं किया जा सकता है। अब बात आती है कि चेक करेंगे फिर होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस में ऊपर घात दो है, ठीक है, और नीचे भी वन और वन टू हैं, घात बराबर हैं, यानी कि डिग्री दोनों की इक्वल है, आंसर हर की डिग्री से बराबर है, तो यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एंड डिग्री ऊपर भी टू है नीचे भी टू है, डिग्री ऑफ ऑफ न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, देन That is homogeneous differential equation. Equation put solve करने के लिए put y equal to bx. यहाँ पे हम solution करने के लिए y equal to bx put कर देंगे, तो ये तो काफ़ी हद तक मालूम ही है, यानी कि जैसे कि हमने y का डू बी एक्स पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy वाई बाई डी एक्स का डू बी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसको पुट करना है एन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है, इक्वेशन बनता हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई का डू बी एक्स का स्क्वायर बी एक्स, ये रख देंगे बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। उसके बाद वाई का डू बी एक्स रखा है, ये क्वेश्चन किसी दूसरी फॉर्म में यानी सेपरेटिंग वेरिएबल में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, ऊपर से एक्स स्क्वायर को मान लेंगे वन प्लस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स माइनस वन प्लस का बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू बी प्लस का एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, सेपरेट करेंगे ये v इधर आ जाएगा माइनस का वन प्लस का बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी इक्वल टू एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे बी एल सी एम लिया माइनस का वन प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू एक्स डी बी माइनस वन माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू बी डी बी अपॉन माइनस वन माइनस का टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेट करना है, माइनस कोमा लेंगे वन प्लस का टू बी स्क्वायर डी बी एंड डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे तो लॉग एक्स हो जाएगा परंतु यहाँ पे वन प्लस का टू बी स्क्वायर का होगा टी, मानते हैं जीरो टू बी स्क्वायर का होगा टू बी एंड डी बी इक्वल टू डी टी, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा फोर बी डी बी इक्वल टू डी टी एंड बी डी बी इक्वल टू वन अपॉन फोर डी टी,
डी एक्स वाई एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन गा वन अपॉन फोर डी टी अपॉन टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी, ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू माइनस का वन अपॉन फोर लॉग टी प्लस लॉग सी। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग टी की पावर माइनस का वन अपॉन फोर प्लस लॉग सी, मल्टीप्लाइंग कर देंगे लॉग सी इंटू टी की पावर माइनस का वन अपॉन फोर लॉग एक्स, तो x इक्वल टू सी टी की पावर माइनस का वन अपॉन फोर। टी की वैल्यू पुट कर दिया जाए वन प्लस टू बी स्क्वायर की पावर माइनस का वन अपॉन फोर, उसके बाद हम लास्ट में फाइनली पुट करेंगे बाई इक्वल टू बी एक्स एंड बी इक्वल टू होगा बाई अपॉन एक्स। बी इक्वल टू बाई अपॉन एक्स यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू सी एंड वन प्लस का टू बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का वन पॉइंट फोर, इस तरह से आंसर बन जाएगा। ठीक है, होलो पावर फोर करेंगे तो आंसर में कुछ चेंजिंग आ जाएगा, यानी कि ये वन बाई फोर चल रहा है, इसको हटाने के लिए थोड़ा सा चेंजिंग किया जा सकता है। तो इस तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछ लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया एक्स ये कौन सा है, सेपरेटिंग वेरिएबल है कि होमोजेनियस है कि लीनियर है, उसका टाइप्स पूछ लेते हैं। तो सॉल्यूशन करके तो काफ़ी टाइम लगता है क्वेश्चन में, कई बार देखा गया है टाइप पूछेंगे इट इज़ कैसी है, सेपरेटिंग वेरिएबल है कि होमोजेनियस है कि लीनियर है कि एग्जैक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, वो पूछा भी जाता है। तो देखेंगे सेपरेट तो नहीं हो रहा, एक्स वाला एक्स की तरफ नहीं जाएगा, डी वाई वाई अगर वाई स्क्वायर ले भी लेते हैं तो ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स माइनस का वाई, ऊपर भी डिग्री टू है नीचे भी डिग्री टू है, तो इट इज़ क्या होगा, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व करने का मेथड वही है, ऊपर और नीचे घात बराबर हैं, आंसर हर की जो घाते हैं या डिग्री अगर इक्वल हैं तो पुट कर देते हैं बाई इक्वल टू बी एक्स एंड यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी प्लस का एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह इसको पुट करेंगे, पुट इन वन वन इक्वेशन में पुट कर देंगे b प्लस का x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू बी एक्स एंड x यहाँ पे पुट करा b कर लो। फिर सॉल्व करने का मेथड सब में वही है, माइनस का वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वही x है, यहाँ से x को मिलेंगे वन माइनस का v हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये होगा b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस का v। सेपरेट कर लेते हैं b प्लस का b स्क्वायर बाई वन माइनस का b इक्वल टू इसको उधर ले लेंगे x डी बी अपॉन डी एक्स माइनस का b स्क्वायर बाई वन माइनस का b, तो x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन माइनस का b वन माइनस का b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का b प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बाई वन माइनस b, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का बी बाई वन माइनस बी, फिर सेपरेट कर लेंगे, सेपरेटिंग करने के बाद बाई बराबर बी एक्स वाई इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, लास्ट में फाइनली बाई बराबर बी एक्स पुट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे चल रहा है एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का बी अपॉन वन माइनस बी, तो यहाँ का वन माइनस बी बाई बी डी बी इक्वल टू माइनस का डी एक्स बाई एक्स, सेपरेटिंग वेरिएबल इंटीग्रेशन वन अपॉन बी डी टी माइनस का बी अपॉन बी डी बी इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स। वन पोन बी का लॉग बी एंड वन ये वन बनेगा वन का बी हो जाएगा इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस सी एंड फाइनली बाई इक्वल टू बी एक्स था एंड बी इक्वल टू बाई पोन एक्स, यहाँ पे पुट कर देते हैं लॉग बाई पोन एक्स माइनस का बाई पोन एक्स इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि ये क्वेश्चन सब इसी टाइप में है, सेपरेटिंग यानी कि डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के एक दो क्वेश्चन मैं ट्राई के लिए दे रहा हूँ, जैसे कि थ्री एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू
वाई क्यू माइनस करते हैं एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। सेपरेटिंग वेरिएबल्स होगा नहीं, यानी कि सेपरेट नहीं हो पाएगा, पर डिग्रीज इनकी इक्वल होंगी तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ये बन जाएगा। ठीक है, डिग्री इक्वल होने पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। तो सेपरेटिंग यहाँ पे इक्वेशंस बन सकता है एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। अंश की भी पावर डिग्री तीन है और हर की भी डिग्री तीन है। इट इज़ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी एक दो बार ये भी पूछा गया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, बाई इक्वल टू क्या पुट करते हैं, बाई इक्वल टू बी एक्स पुट किया जाता है। तो फिर तो जानते ही हैं बाई इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे, डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से लगाया जा सकता है। मैं चलता हूँ दो क्वेश्चन ट्राई के लिए दे देता हूँ। एक्स एक्स माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई एक्स प्लस का वाई एंड नेक्स्ट है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री वाई स्क्वायर एंड डी एक्स इक्वल टू जीरो। दो क्वेश्चनों को दो तीन क्वेश्चन है ट्राई, सेम एक जैसे क्वेश्चन हैं।